जो देखिए समाधि लिए इस मिट्टी के अंदर बाबा जी। अभी लाइव आप लोग को हम दिखा रहे हैं, अभी बोलेंगे इसके अंदर से हम आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बाबा जी कैसे हैं? ठीक है श्री श्री एक जय श्री राम। अभी आप लोग को हम दिखाए बाबा समाधि ले चुके हैं 10 दिनों के लिए अंजल छोड़कर। लाइव कैमरा में आप लोग को दिखा दीजिएगा फिर से। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि भाई ब्लॉग चैनल। सोशल मीडिया पर हाल ही फिलहाल में जो नवरत्ना अभी आया हुआ है, जो अभी तस्वीर यहाँ दिखाइएगा, श्री श्री 108 श्री त्यागी सीताराम दास महाराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। हालांकि इस धरती के अंदर लगभग 5 दिन से धरती के अंदर ना अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, फिर भी इस धरती के अंदर बाबा समाधि लेकर अंदर बैठे हुए हैं। शायद हम आप लोग को पूरा वीडियो में इस दिखाऊंगा, आप लोग बने रहिए। और गांव का भी लोग यहां पर उपस्थिति में है। पहले बैनर दिखा दीजिएगा चारों तरफ से अच्छे तरह से, और ग्रामीण भी यहां तमाम उपस्थिति में है। दिखा दीजिए ग्रामीण और लोग जो अभी तमाम उपस्थिति में। और बाबा से भी हम बातचीत कराने का प्रयास आप लोग का करेंगे। कहीं ना कहीं अन्न जल छोड़कर समाधि ले चुके हैं, 5 दिन हो चुका है मिट्टी के अंदर, वो भी हम आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। जो देखिए समाधि लिए इस मिट्टी के अंदर बाबा जी। अभी लाइव आप लोग को हम दिखा रहे हैं, अभी बोलेंगे इसके अंदर से हम आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ बाबा जी कैसे हैं? ठीक है श्री श्री एक जय श्री राम। कितना दिन से समाधि लिए हुए हैं इसके अंदर? आज हो गया यानी 6 दिन हो गया जी। अन्न पानी सब त्याग कर इसके अंदर समाधि लिए। कैसा अभी आपका मतलब तबीयत है और बॉडी का फिटनेस? सब ठीक है, निर्जल है हम लोग ठीक है। और कब निकलिएगा आप इसके अंदर से? श्री श्री 108 श्री त्यागी सीताराम दास जी महाराज एकम से लेकर 10वीं तक जमीन के अंदर समाधि लेते हैं। ये पहले पहले बिजुलपुर स्थान माई स्थान का प्रियांगन में जी 35वां साल हो गया। 35वां साल इसके बाद आगे भी करना है? नहीं यह लास्ट है। बिजुलपुर पंचायत में लास्टिंग है जी, लास्ट है। चलिए थैंक यू। जो अभी आप लोग हम और कुछ क्या कहना चाहते हैं? अब हम अपने तरफ से धन धन मनाते हैं जो हाँ यानी गांव जिला जवाहर बाल गोपाल सब आनंदी रहे जी, सियाल रहे, धन धन रहे। बस यही विशेष यानी बात मैं माता रानी की तरफ से कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं। और सब ठीक है, बढ़िया है जी जी। देखिए पहले जो कहने का मतलब है जी कि साधो तब साधु जी, साधो तब साधु, साधु कहलाए वहीं जी, पान सिर खाए पर क्रिया पर हाथ के सीधे बैकुंठ के जाए। पहले यानी आँख से देखो तब मानो जी, नहीं आँख से देखो तो नहीं मानना चाहिए कौन जी। हमारे तरफ से धन धन है क्योंकि हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे अब जी। चलिए थैंक यू। जो अभी आप लोग को लाइव डेमो दिखाए बाबा जी से बात कर जो समाधि लिए हुए 5 दिन हो चुका है, और कुछ ग्रामीण भी हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जयलाल सर। जो समाधि बाबा कितने दिन से लिए हुए? यहाँ तो एकम से लिए हैं। एकम से इसके अंदर कितना दिन हो गया? 5वां रोज हो गया। 5वां रोज है, कब निकलेंगे? 9 दिन पकड़े, नौमी के दिन। तो अच्छा, इसके अंदर लोग का भी कौन नाम होगा कुछ अंजल ग्रहण करते हैं? ना ना, सब गलत बात है, सबसे गलत बात है, उसका कुछ नहीं है, साफ क्लियर है, क्लियर है। अरे अगर अंजल करें तो बाथरूम कैसे होगा? हाँ हाँ ये भी तो सही है, सही बात बोल रहे हैं। कैसे करेंगे भोजन अंजल कैसे करेंगे? जो कि निराकाल बाबा है, निराकाल में रहते हैं, और नवमी के दिन निकलेंगे तो जो भी कुछ होगा नवमी के दिन निकलेंगे। हाँ नवमी के दिन निकलेंगे। तो चलिए आप लोग को अभी CCTV कैमरा के निगरानी में बाबा जी हैं, वो उसका भी तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। चलिए कहीं साइड दिखाते हैं जो CCTV कैमरा के निगरानी में बाबा जी है। हालांकि कुछ लोगों का
गलत भी लग रहा होगा, लेकिन नहीं, जो सीसीटीवी के कैमरा के निगरानी में जो है अभी आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए यहाँ पर दिखाइए, जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ दिखाइए कैमरा, अच्छे तरह से दिखाइएगा। जो यही बाबा जी हैं जो अभी आप लोगों को बातचीत कर रहे थे वो मिट्टी के अंदर से, हालांकि जहाँ पे है वहाँ पर कुछ भी सामग्री जो बोला जाता है नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग बोल रहे थे खाने वाने का, तो ऐसा कुछ बात नहीं है, सीसीटीवी के फुटेज में आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर दिखाइएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, कहीं ना कहीं साधना जो बोला जाता है आज भी हम भगवान जी जी कहीं ना कहीं लोग भगवान भी इनको बोल रहे हैं। ये 29वां है जो अभी बाबा जी समाधि लिए माटी, और कुछ यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करें। मैं कितना साल पुराना है, 40 साल से यहाँ पूजा हो रहा है, 40 साल से जो अभी बाबा यहाँ पर समाधि लिए हैं, ये फर्स्ट बार है। हाँ, 2 महीने पहले आए पूजा पाठ कर रहे थे मंदिर का। हाँ, समाधि लिए, पब्लिक लोग मने किया बाबा इस तरह मत कीजिए, तो कहें कि हम हमको दिक्कत नहीं होगा, हम लेंगे समाधि, जबरदस्ती अपने मर्जी से लिए हैं। अच्छा, वो अपने मर्जी से लिए? हाँ हाँ, थाना से काहे पर बन गया है, मुखिया जी से भी काहे पर बना है, सब कुछ मतलब बाउंड पर बना दिए हैं। हाँ, बाउंड बनाकर तब अंदर गए। हाँ हाँ, समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना गाँव की जिम्मेदारी है, अच्छा सब कुछ बाबा अपने पर लेकर अंदर अपने गए हैं। तो चलिए, जो अभी फिलहाल एक ग्रामीण, आपका क्या नाम हो चाचा जी? रमेश ठाकुर। ये जो बाबा जी गए हैं 5 दिन हो चुका है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना होगा कि जी खाना वगैरह भी कहीं अलग से दिया आता होगा, ऐसा तो कुछ बात ना? ना ना, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। बाबा एक कम से 3-4 रोज पहले वो अपना अंजल छोड़ दिए थे जी, अंदर गए हैं, आप लोग देखे किए हैं, सिर्फ हाथ निकालने भर का जगह है, केवल बातचीत कर रहे हैं, बुझे कि उनको अद्भुत शक्ति है। हाँ। माता का साधना कर रहे हैं, समाज का सहयोग है, हम लोग भी माता से कामना कर रहे हैं कि सही सुरक्षित 10वीं के दिन बाबा बाहर आवे, नवमी के दिन निकलेंगे, नवमी या 10वीं। हाँ हाँ, हाँ बोल रहे थे, लगभग यहाँ बीजपुर माया स्थान में 40 वर्ष से दुर्गा पूजा हो रही है, जिसमें प्रथम बार ये समाधि लिए हैं बाबा अपने मर्जी से। अच्छा, यहाँ पर प्रथम बार लिए हैं, यहाँ माँ भगवती की मंदिर है जी, नारायण बाबा की मंदिर है, तो ये तो हम लोगों के जन्म के पहले से पूर्वजों के समय से स्थान है जी। चलिए, थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम विनय भगत हुआ जी। पूजा करता में आपका क्या सहयोग है? हम इस गांव का हैं, इस पंचायत का है, इसमें अपना सहयोग मैंने शरीर से भी करते हैं, पैसा से भी करते हैं, जैसा भी हो वैसा हम लोग करते हैं। बाबा के बारे में क्या कहना चाहिएगा? बाबा हमारे मैंने स्थल पर आए हैं और समाधि लिए हैं, हम लोग की खुशी की बात है, फिर भी हम लोग उनको देख रेख में हैं, माता कृपा से ठीक है, अभी हैं, ठीक है, रहेंगे भी। अच्छा, अंजल कुछ भी नहीं लेते हैं वहाँ पर बाबा जो है? पानी वगैरह भी? बाबा तो 4 दिन पहले से भी अंजल छोड़ दिए थे, 4 दिन पहले से। हाँ, फिर नवमी को 10 बजे निकलेंगे। अच्छा, नवमी समय जो होगा। तो अभी फिलहाल यहाँ के ग्रामीण से भी फीडबैक। आपका क्या नाम हुआ सर? जितेंद्र सा। क्या कहना चाहिए बाबा के बारे में? इतना बाबा से यही विनती है हम लोग का, जो बाबा बहुत जगता बाबा है, यहाँ का मंदिर भी हम लोग का जगता है। जब से बाबा समाधि लिए हैं, बाबा पहले बैठते थे दूसरे जगह, एक ऋखी भगत है उनके तुरुप से आए बाबा, यही हमारे मोठ पर बैठते हैं 2-4 महीना से। उसके बाद में बाबा बोले जो हम समाधि लेंगे, तो हम लोग का डर लग रहा था, जो हम लोग तो नवरात्रि में है, हम लोग का तो 10 दिन बैठते हैं तो उन लोग का हालत ख़राब हो जाता है, 1.5 किलो सेब खाते हैं, अंगूर खाते हैं, तो हालत ख़राब हो जाएगा, बाबा तो निर्जल कैसे बैठ पाएंगे, 10 दिन कैसे बैठेंगे आप निर्जल? तो बाबा बोले जो हम 35 साल से बैठ रहे हैं, आप लोग मत डरिए। तो हम लोग डर के भी थाना पर गए, थाना पर बाउंड बनवाएं, उसके बाद में मुखिया सरपंच से बनवाएं, और गांव का जितना हमारे सदस्य लोग हैं उसमें जुड़े हैं, गाँव समाज का सब लोग का, जो बाबा जब ऐसे कहते हैं तो रहने दीजिए, बाबा अपना खुद जिम्मेवार लिए हैं, कुछ भी होगा तो बाबा का ही जिम्मेवार है, हम लोग का नहीं। तो यहाँ ग्रामीणों से भी मिलकर बातचीत किए हैं, इन लोगों का कहना है बाबा खुद जिम्मेवार हैं,
इस जो अभी मिट्टी के अंदर गए हुए हैं, वो बोला है कि जो भी होगा हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ग्रामीण लोग से बोलकर। और फिर एक लास्ट सीन हम जाते जाते आप लोगों को दिखा दीजिएगा थोड़ा, जो कैमरा के अंदर अभी सो रहे हैं बाबा, जो 10 दिन के लिए मिट्टी के अंदर जा चुके हैं, जो बोला जाता है, जो अभी आप लोग को हम दिखाए, बाबा समाधि ले चुके हैं 10 दिनों के लिए अंजल छोड़कर। लाइव कैमरा में आप लोग को दिखा दीजिएगा फिर से, और चल रहा होगा, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। शायद आप लोग कहीं देखे होंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।